You're watching Exposed India. मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां पर 25वां विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं बलदेव भाई शर्मा जी, जो कि चेयरमैन हैं एनबीटी के। उनसे जानते हैं क्या कुछ खास है आज के पुस्तक मेले में, ये जो 7 से 15 तारीख तक चलने वाला है। बलदेव जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एक्सपोज इंडिया में। धन्यवाद। जानना चाहेंगे इस पुस्तक मेले में क्या खास है, कितने देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और क्या कुछ लोगों के लिए नया है। देखिए, ये जो हम नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला लगाते हैं, इसकी वर्ष भर देश भर के लोग प्रतीक्षा करते हैं। और मैं कई जगह जाता हूँ, वो मुझे पूछते हैं कब लगेगा। तो बड़ी उत्सुकता इस पुस्तक मेले के लिए है। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पुस्तक मेले को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने का प्रयास करें। हमारा जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का पूरा एक परिवार है कर्मचारियों का, वो महीनों से बड़े मनोयोग से इसको सफल बनाने में लगा रहता है। और एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि ये शायद एकमात्र ऐसा इतना बड़ा इवेंट है जिसको हम किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा नहीं कराते। हमारा न्यास परिवार नीचे से लेकर ऊपर तक जितने लोग हैं सब इसमें जुटते हैं। और इस बार 20 देश इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 800 से ज़्यादा प्रकाशक देश भर से आए हैं। एक और खास चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, मानुषी चूँकि आपने यहाँ की थीम रखी है और ऑन वुमेन एंड बाय वुमेन, तो इसके पीछे किस तरह की सोच रही है और क्या, क्योंकि थीम जो है वो पहले से डिसाइड हो जाती है, तो इस थीम के पीछे क्या राज है, क्या सोचा गया और किस तरह से रखा गया इसको। देखिए, ये बहुत एक सुखद बात है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जब हम विचार कर रहे थे तो उसमें से विषय निकला कि भाई महिलाओं को लेकर इस बार कुछ करना चाहिए। और संयोग से इस समय देश में जो सरकार है उसका तो नारा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो भारतवर्ष में प्राचीन काल से, ऋग्वेद काल से, वेद काल से महिला विदुषियों की एक लंबी परंपरा रही है, उनका चिंतन, उनका ज्ञान, उनका लेखन। और आज के समय में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। तो वहाँ से जो महिला लेखन की, महिला विद्वता की, महिला चिंतन की परंपरा शुरू हुई, आज के दौर में बड़ी संख्या में लेखिकाएं खड़ी हुई हैं, उनका निर्माण हुआ है और उन चुनौतियों का सामना करते हुए बड़ा श्रेष्ठ लेखन वो कर रही हैं। तो हम चाहते थे कि वो जो प्राचीन परंपरा भारतवर्ष की है, जिसको सामान्यतया इस एक तरह से नए जमाने में डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि भारत में प्राचीन कुछ भी ग्रहण करने लायक नहीं है, लेकिन हम ये दिखाना चाहते थे कि इस भारतवर्ष में महिला लेखन में, महिला विदुषियों के क्षेत्र में कितना बड़ा काम हुआ है। अगर संख्या के लिहाज से बात की जाए तो जिस तरह से 25वां आयोजन हुआ तो खुशी की बात है, लेकिन संख्या के लिहाज से तादाद बढ़ी है या कुछ परेशानियाँ भी हुई हैं? नहीं, परेशानी तो हमें नहीं लग रही है। और जो सबसे बड़ी परेशानी की आशंका मानी जा रही थी पैसे के भुगतान को लेकर, मैं लगातार स्टालों पर घूमता हूँ, प्रकाशकों से बात करता हूँ और जो यहाँ पुस्तक प्रेमी किताबें खरीद रहे हैं उनसे बात करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी सफलता इस इवेंट को कैशलेस भुगतान के रूप में मिली है। हमारे सारे प्रकाशक प्रसन्न हैं, किसी को कोई ये प्रसंग सामने नहीं आया है कि पैसे न होने की वजह से वो किताब बिक नहीं पाई। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो इस पूरे आयोजन की ये है। उम्मीद यही करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और यही उम्मीद करते हैं कि ये जो दिन दुनी रात चौगनी जो है विश्व पुस्तक मेला तक करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। धन्यवाद। और आप सबका आभारी हूँ कि आप सबके माध्यम से देश भर में ये संदेश जा रहा है, पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी जा रही है, उससे आकर्षित होकर लोग यहाँ आ रहे हैं। तो आप सबके सहयोग के बिना हमारा ये उपक्रम सफल नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत सहयोग है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ ये थे बल्लेव भाई शर्मा जी, जो कि एनबीटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने बताया कि विश्व पुस्तक मेला क्यों खास है, ना सिर्फ बड़ों के लिए, विश्व के कोने कोने से तो लोग यहाँ पर आते ही हैं, बल्कि देश की अगर बात की जाए तो दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और भारी संख्या में, 1.25 लाख तक की संख्या में लोग अब तक यहाँ पर आ चुके हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया।